जनपद में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय प्राधिकरण के लिए नामांकन हुआ था, जिसमें 2 प्रत्याशी अगले महीने 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उन्होंने कहा गोरखपुर में कुल 21 मतदान केंद्र है और महाराजगंज में 12 मतदान केंद्र है, इस तरह कुल 33 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा वोटों की काउंटिंग टाउन हाल में होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। हमारे यहां गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद का नामांकन हुआ, तो उसमें कुल 2 प्रत्याशी हैं। आगामी 9 अप्रैल को इसका मतदान कराया जाएगा और 12 अप्रैल को इसकी मतगणना होगी। गोरखपुर में कुल 21 मतदान केंद्र हैं और महाराजगंज में कुल 12, इस प्रकार कुल 33 मतदान केंद्र हैं, जहां पर आगामी 9 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। काउंटिंग 12 अप्रैल को है। यहां गोरखपुर में ही टाउन हॉल है, वहां पे काउंटिंग की व्यवस्था और वहीं पर स्ट्रांग रूम की व्यवस्था बनाई गई है। जो भी मत पेटिकाएँ होंगी वो स्ट्रांग रूम में आकर के रखी जाएंगी और वहीं पर 12 तारीख को मतगणना की जाएगी।